और मैं हूं डॉक्टर एस आर के, और वीकेंड इंस्पायर की तरफ से आपका स्वागत है। हमारा एक प्रयास है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप अपनी या हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में समझें, यानी यह देश कैसे चलता है और हमारी भागीदारी उसमें क्या है, इसके बारे में समझें। एक छोटा सा यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, उदाहरण लेकर के आए हैं, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल से। ऑन वन साइड देर इज बिजनेस, द अदर साइड देर इज गवर्नमेंट, एंड द थर्ड साइड इज वी द पीपल ऑफ द कंट्री। सो वेरी सिंपल, वी द पीपल ऑफ द कंट्री डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं के लिए डिमांड रहती है, वस्तुओं या सेवाओं के लिए डिमांड हमारी रहती है। व्हेन वी हैव द डिमांड, देन आइदर द डिमांड इज मेट बाय द बिजनेस और द डिमांड इज मेट बाय द गवर्नमेंट। मेनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट and many goods and services are provided by the business. If we demand, then they can survive. If we don't demand, they cannot survive. At the same time, we can survive as common people if they produce goods, and if business, the business sector produces goods and services, and then they give salaries and wages to us. Yeah, and then when we buy goods and services, and when we earn income, we pay income tax to the government, and then we pay GST, etc., to the government, and the government survives. In turn, the government should give free schools, free hospitals, etc. So the more there is income, obviously there's more income tax, there is more GST, and when there is more income tax, there's more GST, the government can build hospitals, roads, bridges. The government can also provide, school or college facilities, etc., which the government should. If you pay tax, the government should build schools and colleges and hospitals, etc. Yeah. Now, how will this loop keep continuing, and how the growth will take place? ऐसा कैसा होगा कि यह लूप चलता रहेगा और ग्रोथ इसी के द्वारा मिलेगा? यानी अधिक से अधिक लोग अगर नौकरी कर पाए, अधिक से अधिक लोग छोटे छोटे काम कर पाए, छोटे छोटे व्यापार कर पाए, तब अधिक से अधिक लोगों को इनकम होगा, अधिक से अधिक लोगों को। कम लोग अगर व्यापार करते हैं, कम लोग सैलरी कमाते हैं, खूब सैलरी कमाते हैं, तो भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए, हम कहें कि भाई 80 करोड़ लोग हैं, वैसे तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ में से 10 करोड़ की जो आय है बहुत भयानक आय है, बहुत हाई है, और उनमें से जो 2 करोड़ लोग हैं बिलियनियर्स हैं, है ना, अरबपति हैं। तो ऐसा तो प्रतीत होगा कि हाँ भाई, देश बहुत तरक्की में है, काफी जीडीपी है देश का, काफी इनकम है देश का, लेकिन 70 करोड़ लोग नहीं ठीक से कमा पाते हैं। मान लिया जाए, या सोच कर चलें कि उनकी 10,000 रुपये पर महीने इनकम भी नहीं होती, पूछा है तो 5,000 रुपये इनकम भी होना बहुत कठिन है। तो 70 करोड़ लोग अगर ऐसे हो गए तो कहां से इनकम टैक्स देंगे, कहां से सामान खरीदेंगे और जीएसटी देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यह जरूरी है कि 70 करोड़ लोग को जो इनकम हो वह कम से कम 20,000 रुपये अगर पर मंथ हो, तो क्या बात, क्या वारे न्यारे होते। कैसे होगा यह संभव, यही समझना है कि आखिर यह संभव कैसा होगा। यह नहीं देखना है कि पूरे देश की वेल्थ कितनी बढ़ी, कितना पूरे देश का इनकम बढ़ा, यह देखना है कि जो अधिकांश लोग इस देश में हैं, क्या वे आय अर्जित कर पा रहे हैं, इनकम अर्जित कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि सबकी इनकम 50,000, 60,000 पर मंथ हो या 1,00,000 रुपया पर मंथ हो, नहीं, एक लेकिन मिनिमम तो होना चाहिए। आखिर ये होगा कैसे, यह मिनिमम? तो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं, मैंने, कुछ लोग तो किसान हैं, बहुत अधिकांश लोग किसान हैं, और कुछ लोग जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, काफी लोग। कुछ लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ लोग सरकारी क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, कुछ लोग उनमें काम करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग करते क्या, अधिकांश लोग छोटे 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 व्यापारी हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं अधिकांश लोग। तो आखिर कैसे होगा कि अधिकांश लोगों की आय बढ़ेगी और इसके चलते देश तरक्की करेगा, होगा कैसे ये? यही हम कोशिश करेंगे एक इकोनॉमिक मॉडल द्वारा बहुत सरल तरीके से आपके सामने पेश करने का।
समझ पाए तो हम सब इस देश में इकोनॉमिक्स में, देश के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ समझ करके हम इसमें हाथ बटा सकते हैं और हम यह देख सकते हैं कि हाँ यह देश सही रूप में सभी के लिए हो और सबका तरक्की हो। हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और ज़रूर एक काम कीजिएगा, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत लोगों तक यह पहुँचेगा। वीकेंड इंस्पायर में हम इसी प्रकार आपको इंस्पायर करते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।